आदाब, आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस और मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, जहाँ एमएसओ की तरफ से द रोल ऑफ एएमयू नेशन बिल्डिंग नाम से कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिस कॉन्फ्रेंस में बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत मौजूद है। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको इस कॉन्फ्रेंस में और जानते हैं क्या है एएमयू का रोल नेशन बिल्डिंग में। मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया ये प्रोग्राम कर रही है रोल ऑफ एएमयू इन नेशन बिल्डिंग। मुस्लिम यूनिवर्सिटी की खिदमात, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की खिदमात नेशन बिल्डिंग में, कौम की तामीर और तरक्की में इब्तदा से लेकर आज तक बे इंतहा रही है। इसने ऐसे ऐसे हीरे जवाहरात इस मुल्क को दिए हैं जो इस मुल्क की तरक्की के लिए, और न सिर्फ इस मुल्क की तरक्की के लिए बल्कि इस मुल्क की तामीर के लिए और इस मुल्क के हर लिहाज से यहाँ के जो परवरदा हैं, यहाँ से जो तालीम याफ्ता हैं, उन्होंने खिदमात अंजाम दी है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के परवरदा न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान और बैरून हिंदुस्तान हर जगह हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, और यहाँ का की जो काबिलियत है, यहाँ की जो सलाहियत है, और हिंदुस्तान का जो बेहतरीन माइंड है, बेहतरीन अक्ल है, बेहतरीन जहन है, उसको प्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पे। एएमयू ने वक्त बवक्त बहुत बड़े बड़े किरदार खास करके न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया की तामीर में प्ले किया है। जैसे कि यहीं से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ही निकल करके शमीम जहरातपुरी ने मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी। यहीं से तलबा बिरादरी निकल करके दिल्ली में जामिया मिल्लिया इस्लामिया की बुनियाद रखी, जामिया हमदर्द की बुनियाद रखी, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी। यहीं से निकल करके मोहनिस रज़ा ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी। तो अगर एएमयू को कहा जाए कि ये मदर ऑफ यूनिवर्सिटीज है तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। एएमयू का नेशन बिल्डिंग में काफ़ी ज़्यादा रोल रहा है, और ख़ास करके उस तबके के लिए जो माइनॉरिटी तबका है, क्योंकि अगर आप देखा जाए तो कुछ ही चुनिंदा माइनॉरिटी तबका के लिए किसी ने यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें से एमयू और जामिया जैसी संस्थाएं हैं, क्योंकि माइनॉरिटी का जो पिछड़ापन था उसको एमयू ने काफ़ी हद तक दूर किया है। और अगर एक इतनी बड़ी तादाद जो माइनॉरिटी है हिंदुस्तान की, अगर वो पीछे रह जाती अगर एमयू जैसी संस्था या जामिया जैसी संस्था ना होती, तो इस तरीके से मैं देखता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा एमयू का नेशन बिल्डिंग में रोल रहा है। एमयू का बहुत अहम रोल रहा है नेशन बिल्डिंग के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, बहुत सारी जो बड़ी बड़ी पोस्ट हैं उसमें जो है एमयू से पढ़े हुए लोग अच्छी अच्छी पोस्ट पर गए हैं। आप अगर चीफ मिनिस्टर की बात करें तो कई चीफ मिनिस्टर जो कि वहाँ से पढ़े हुए हैं एमयू से, और जो है एमपीज़ हैं, और बहुत सारे लोग जो कि चाहे वो जजेज़ हों या एडवोकेट हों बड़े बड़े, वो लोग जो है रहे हैं एमयू से पढ़े हुए। जी, ऐसे टॉपिक पे आज के दौर में जबकि हर जगह नेगेटिविटी है कौम मुस्लिम को लेकर, ख़ास तौर से मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को और ख़ास तौर से मुस्लिम्स को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैली हुई है, तो इस हवाले से भी आज के दौर में ऐसे प्रोग्राम की अहमियत और इफादियत बढ़ जाती है कि ताकि पता चले लोगों को। जब तक हम उनको बताएंगे नहीं कि हमारा क्या किरदार रहा है, हमने इस मुल्क की तामीर के हवाले से, हमने इस मुल्क की तरक्की के हवाले से क्या क्या खिदमात अंजाम दी हैं, तब तक वो उनके जहन में शकूक पैदा होते रहेंगे, शुबहात पैदा होते रहेंगे, और फिर उनके जहन में जो है आज का जो माहौल जिस तरीके से हम देख रहे हैं वो बढ़ता ही चला जाएगा। इस तरह के टॉपिक्स पे डिस्कशन आज के वक्त में बहुत ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि ख़ास करके माइनॉरिटीज़ के रोल को लेकर के बहुत शक व शुबहात के नज़र से उन्हें देखा जाता है। तो अगर इस तरह के टॉपिक्स पे डिस्कशन होगा तो कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज़ के भी माइंड में कहीं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का रोल प्ले होगा, और इस तरह के ही प्रोग्राम से माइनॉरिटीज भी आगे निकल करके आएंगे और नेशन की बिल्डिंग में अपना अहम कंट्रीब्यूशन, अपना रोल प्ले करेंगे। लेके आए थे आईएसी में होने वाली कॉन्फ्रेंस में, जहाँ पे हमने जाना कि एएमयू का क्या रोल है नेशन बिल्डिंग में। ऐसी और भी वीडियोस के लिए देखते रहिए आवाज़ द वॉइस।